फेमस कपल्स में शुमार हैं फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। 21 अप्रैल साल 2014 में रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा शादी के बंधन में बंधे थे। रानी मुखर्जी जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं और आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इंडस्ट्री में एक लंबे समय के बाद रानी मुखर्जी शादी के बंधन में बंधी और आज के समय में रानी और आदित्य की बेटी हैं अदिरा और अपनी पर्सनल लाइफ को रानी मुखर्जी मीडिया से काफ़ी दूर रखती हैं। लेकिन इस दौरान देखा जाए तो मीडिया के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर रानी मुखर्जी अपने दिल की बातों को शेयर करती हुई भी देखी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन बैनर तले कई फिल्मों में रानी मुखर्जी नजर आई हैं। ऐसे में देखा जाए तो रानी को आदित्य एक बेहतरीन एक्ट्रेस मानते थे और राजा की आई की बारात में आदित्य चोपड़ा को रानी मुखर्जी का काम बेहद पसंद भी आया था और इस फिल्म के बाद रानी मुखर्जी को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और रानी मुखर्जी करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है के जरिए भी काफ़ी पॉपुलर हो गई। उस दौरान देखा जाए तो आदित्य चोपड़ा ने ही टीना के रोल में रानी मुखर्जी को लेने का सुझाव करण जौहर को दिया था। ऐसे में देखा जाए तो आज भी रानी मुखर्जी अपने इस किरदार के लिए काफ़ी पॉपुलर कपल हैं। दोनों की शादी को 7 साल पूरे हो चुके हैं और दोनों ही एक परफेक्ट कपल के तौर पर देखे जाते हैं। दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है और दोनों का छोटा सा परिवार है लेकिन काफ़ी खुश परिवार है। ऐसे में देखा जाए तो रानी मुखर्जी अपने इंटरव्यू में ये भी खुशी जाहिर करती हुई नजर आई हैं कि आदित्य चोपड़ा के साथ उनका शादी करना एक बहुत ही सही फैसला रहा है। आदित्य चोपड़ा के साथ वह बेहद खुश हैं। रानी मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आदित्य चोपड़ा से शादी करके वह काफ़ी खुश हैं, वहीं उनका पूरा परिवार उन्हें काफ़ी पसंद करता है। इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आदित्य मेरे शिव है और मैं उनकी पार्वती। और इन सभी बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा से कितना प्यार करती हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।